दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 9th पेपर से प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ व परिभाषा, विशेषताएं, समस्या और पहचान को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं प्रतिभाशाली बालक का अर्थ हुआ परिभाषा को। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालक से किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक होता है या अपने आयु के बालकों से साधारण अथवा विशेष योग्यता में श्रेष्ठ होता है, चाहे वह बुद्धि लब्धि हो या संगीत कला या कोई अन्य क्षेत्र हो। ऐसे बालक को प्रतिभाशाली या प्रतिभावान बालक कहा जाता है। प्रेम पसरीचा के अनुसार, प्रेम पसरीचा ने जो परिभाषा दिया है उसको देखेंगे। जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या वह उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं अति विशिष्ट योग्यता रखता हो। टर्मन के अनुसार अध्ययन किए गए प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं। अब्दुल रऊफ के अनुसार प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली होने का जो है संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बालक शब्द का अभिप्राय बालक की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। कार्सनिक के अनुसार, कार्सनिक जो परिभाषा दिया उसको देखेंगे। वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु के बच्चों में किसी योग्यता से अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके। अमेरिका के शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में केवल उच्च बुद्धि लब्धि बालक ही सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, बल्कि वे सभी बालक शामिल हैं जो दूसरे बच्चों से किसी भी क्षेत्र में अधिक श्रेष्ठ हैं। इसमें कला, साहित्य, काव्य रचना आदि हैं। इस प्रकार प्रतिभाशाली बालक बुद्धि से या अन्य किसी योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से जो है श्रेष्ठ होते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिभाशाली बालकों का जो है विशेषताएं को। यह जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक आपस में समानता लिए हों, उनके बीच विभिन्नताएं पाई जाती है। इसी विभिन्नताओं से जो है उनमें विशेष गुणों के कारण विशेषताएं दृष्टि गोचर होती है, जिसे इन विशेषताओं को हम देखेंगे। शारीरिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, संवेगात्मक विशेषताएं, शैक्षणिक विशेषताएं, लिंग संबंधी विशेषताएं, व्यक्तिगत विशेषताएं, बौद्धिक विशेषताएं, निषेधात्मक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता कद, भार और सामान्य शारीरिक विकास के रूप में होता है। प्रतिभाशाली बालकों में शारीरिक दोष जो है बहुत कम होते हैं। इनकी ज्ञान इंद्रियां प्रखर होती है। प्रतिभाशाली बालकों में किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं। प्रतिभाशाली बालक के सामान्य बालकों की अपेक्षा 2 माह पूर्व ये जो है चलना फिरना और बोलना जो है शुरू कर देते हैं। इनके दांत भी पहले निकल आते हैं। सामाजिक विशेषताएं, ऐसे बालक अपनी आयु स्तर से अधिक आयु के स्तर वाले बालकों को मित्र बनाना पसंद करते हैं, लेकिन खेलते हुए अपनी आयु के बालक के साथ ही। वे हमेशा प्रसन्नचित और हंसमुख दिखाई देते हैं। इससे वे सामाजिक तौर पर सर्वप्रिय होते हैं। ये जिम्मेदारी लेना बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो घर हो, स्कूल या समुदाय हो। इनमें नेतृत्व क्षमता होती है। इनकी सृजनात्मक गतिविधियां सामाजिक तौर पर जो है लाभकारी होती है। संवेगात्मक विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालक नए जगहों पर नए लोगों के साथ नई परिस्थितियों में ये बालक शीघ्र ही समायोजन कर लेते हैं। इनका ये संवेगात्मक रूप से स्थिर और समायोजित होते हैं। ये हमेशा प्रसन्न रहने वाला, धैर्यवान होते हैं। कठिनाइयों का जो है स्वतंत्रता से ये सामना करते हैं। शैक्षणिक जो है विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालक साहित्य, विज्ञान, व्याकरण, गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों में श्रेष्ठतम प्रदर्शित करते हैं। ये शैक्षणिक जो है उपलब्धि को बहुत अधिक महत्व देते हैं। अधिक पाठ्यक्रम को कम समय में ये समझ लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अधिक उपलब्धियां जो है प्राप्त करते हैं। पुरस्कार और छात्रवृत्तियां जीतने में भी प्रतिभाशाली बालक सबसे आगे रहते हैं। लिंग संबंधी विशेषताएं, लड़के और लड़कियों में कौन अधिक प्रतिभाशाली होता है, इसका अभी तक
संतोषजनक उत्तर जो है नहीं प्राप्त हुआ है। व्यक्तिगत विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालक सहयोगी होते हैं, प्रतिभावान बालकों को कक्षाओं में उनके सहपाठी अधिक पसंद करते हैं, इनका सामाजिक समायोजन सामान्य बालकों की अपेक्षा जो है अधिक होता है। बौद्धिक विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालक का अधिगम तीव्र गति से होता है और सरलता से होता है, ऐसे बालक जिज्ञासा, मौलिकता, दृढ़ इच्छा, हास्य, विनोद का स्वभाव, तर्क करने की योग्यता, स्मृति, रुचियां, शब्द भंडार सामान्य बालकों से जो है अधिक होता है। निषेधात्मक विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालक अभिमानी प्रकार के होते हैं और दूसरों से ईर्ष्या भी उन्हें होने लगती है, ये लापरवाह, नटखट और शोर मचाने वाले होते हैं, दूसरों की आलोचना भी ये अधिक करते हैं। अब हम प्रतिभाशाली बालक की समस्या को देखेंगे। कई बार प्रतिभाशाली बालकों को परिवार, विद्यालय, समाज में जो है समायोजन ये नहीं कर पाते, इनको अभिमान का विकास भी हो जाता है। कई बार ये अपनी प्रतिभा के कारण कार्य को आवश्यकता से अधिक सरल मान लेते हैं, जिससे वे लापरवाह और आलसी हो जाते हैं। सही मार्गदर्शन नहीं मिलने पर ये अपने उत्तम बुद्धि का जो है गलत प्रयोग भी करते हैं, कभी कभी ये गिरोह में भी शामिल हो जाते हैं। कई बार प्रतिभाशाली बालकों को विद्यालय, विषयों और व्यवसायों को चयन करने में जो है समस्या होती है, क्योंकि उनकी रुचियों में जो है अत्यधिक विभिन्नताएँ होती है। अब हम प्रतिभाशाली बालक की जो है पहचान कैसे होती है उसको हम देखेंगे। प्रतिभाशाली बालक की पहचान बुद्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं, निष्पत्ति परीक्षण, बालक के गुणों के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की जो है पहचान की जाती है। तो ये था प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, समस्या और पहचान। धन्यवाद। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।